इससे अच्छा बताओ स्कूल क्यों नहीं जाते आप लोग, स्कूल क्यों नहीं जाते बेटा? जाएगा स्कूल तो कौन कब आएगा? अच्छा ये बताओ आपके मम्मी पापा का ठीक है ना, वे तंदुरुस्त है ना? मम्मी बीमार है, पापा पता ना कहाँ है। कंचन। कंचन आपका नाम क्या बेटा? कंचन। आपका नाम भी कंचन? नहीं पूजा है। किसका नाम पूजा है? किसका नाम पूजा? आप तुम्हारा नाम क्या है? पूजा। पूजा पूजा। तुम्हारा नाम? सोनिया। सोनिया तो क्या करते हो, मतलब रोड पे ऐसी मांगते हो, क्या करते हो? मांगते हैं। सही मांगते हो बेटा? तुम क्यों मांगते हो, मतलब मन नहीं करता स्कूल जाने का, पढ़ने का मन नहीं करता? हमारे पास पैसे ही नहीं है इतना भैया, पैसा होता तो हम पढ़ लिख लेते, पैसा है ही नहीं, हम गरीब है तो भैया। पैसा तो ये बताओ, दिल्ली में रहते हो ना? हाँ। दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल के इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, वहाँ फ्री में पढ़ाई होते, क्यों नहीं जाते आप? अरे हमारे पास पैसे ही नहीं है। अरे पैसे से थोड़ी पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो फ्री में होती है, क्यों नहीं जाते? खाना कहाँ से खाएंगे? दिल्ली में स्कूल में खाना भी फ्री में मिलता है ना? हमारे मम्मी पापा कहाँ से खाएंगे? अच्छा आपके मम्मी पापा आपसे मंगवा के खाते हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ आपके मम्मी पापा का ठीक है ना, वे तंदुरुस्त है ना? तो मम्मी बीमार है, पापा पता ना कहाँ है। पापा पता नहीं कहाँ पे हैं, कितने सालों से? दो तीन साल हो गए। दो तीन सालों से? तो कितने रुपए कमा लेते बेटा एक दिन में? हम कमाते क्या, हम तो खेलते रहते, घर जाते हैं तो भूखे सो जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, भूखे क्यों सोते हो आप? पैसे ही नहीं रहता तो कहाँ से खाएं? यार कैसी बात कर रहे हो, सुबह शाम तक मैं आपको देखता हूँ, आप इतने पैसे कमाते हो। मांगते थोड़ी ना, हम खेलते रहते हैं। अच्छा इधर खेलते हो तो मांगता कौन है फिर? कोई नहीं मांगता। इतनी दूर से कलंदर कॉलोनी से आप यहाँ पे आके, आगे देखो एक वो भी आ गया, तुम्हारे मम्मी पापा वहाँ पे बैठे, वो कौन बैठा है वहाँ पे? तुम भी आगे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड नाम है, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। पढ़ाई नहीं करते? गुब्बारा बेचता हूँ। गुब्बारा बेचते हो? बॉडीगार्ड नाम किसने रखा? मेरी मम्मी ने। मम्मी ने? तो बॉडीगार्ड कौन होते हैं? मैं। किसके बॉडीगार्ड हो तुम? किसके बॉडीगार्ड हो? मैं खुद का। किसके बॉडीगार्ड हो? मम्मी पापा के बॉडीगार्ड हो? मम्मी पापा की वो करते हो, रक्षा करते हो? इससे अच्छा बताओ स्कूल क्यों नहीं जाते आप लोग, स्कूल क्यों नहीं जाते बेटा? जाएगा स्कूल तो कौन कमाएगा? कौन कमाएगा, आपके मम्मी पापा है ना सब, वो वहाँ पे। हाँ देखो ये जाता है। अच्छा तुम जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी में पढ़ते हो? और तुम? हम लोग पहले जाते थे, अब नहीं जाते, पहले पापा थे ना। अच्छा तो मन नहीं करता आपका स्कूल जाने का, बस ऐसे खेलते रहते हो सर्दी में इधर से उधर, तुम्हारा मन करता है स्कूल जाने का? मैं भैया ने कपड़ा दिया था स्कूल का। अच्छा कौन से भैया ने स्कूल का कपड़ा दिया था? तुम्हारे अच्छा बहन भाई है, आज इधर तो क्यों नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ाते इन्हें स्कूल, क्यों नहीं पढ़ाते हो भैया? नहीं पढ़ते हो? अच्छा पढ़ना है ना बेटा, मम्मी पापा से बोलना कि पढ़ना है, देखो अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना? पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, ऐसे अपनी जिंदगी ऐसे खराब करोगे खेल के। सलमान खान हो तुम? नहीं। कौन सा हीरो पसंद है? अच्छा हीरो कौन सा पसंद है? सलमान खान। सलमान तो करके दिखाओ, सलमान के लिए एक्टिंग दिखाओ तनिक। मैं एक्टिंग नहीं करता। एक्टिंग नहीं करता। अच्छा डायलॉग बोलो एक सलमान का। मैं नहीं डायलॉग बोल कुछ नहीं जानता। अच्छा मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, गाने याद है? सुपरमैन सलमान का फैन। नहीं अब नहीं, पक्का कर दूंगा जग्गा। चलो ठीक है बाय बाय। ठीक है बेटा पढ़ना है तुम्हें। देखिए ये आज का बचपन है, ये वो बच्चे हैं जो रेड लाइट पर रहते हैं, रेड लाइट पे भीख मांगते हैं, रेड लाइट पे अपनी ज़िंदगी को बिता देते हैं, और इनके माँ बाप सिर्फ थोड़े से पैसे की वजह से, थोड़े सी लालच की वजह से इनकी जो ज़िंदगी है वो तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मतलब ये बच्चे अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये बच्चे रह रहे हैं, दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, सब जगह दवाई फ्री है, एजुकेशन फ्री है, और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में है। तो इस तरह के बच्चों को भी दिल्ली गवर्नमेंट को देखना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट को इस तरह के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए,
उनके माँ बाप से मिलना चाहिए, उनको कम से कम एक ध्यान आकर्षित करना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट का। हमारा भी फ़र्ज है कि हम ऐसे लोगों के माँ बाप से मिलें, उन्हें समझाएं कि इनका मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, अगर कुछ बन जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ बन सकते हैं, वरना पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे। बहुत बुरा लगता है जब ये बच्चे रोड पर खड़े होकर भीख मांगते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं और 10-10 रुपये मांगते हैं, क्योंकि अगर इस छोटी सी उम्र में ही ये लोग नशा शुरू कर देते हैं, ये बच्चा नशा शुरू कर देता है जो इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो यही अनुरोध है कि कम से कम पैसे तो ना दें, ऐसे बच्चों को पैसे ना दें। सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में आप ऐसे बच्चों को, बड़ों को अपने गर्म कपड़े दे सकते हैं, लेकिन पैसे कतई ना दें। पैसे अगर आप देंगे तो उस पैसे का कहीं ना कहीं ये बच्चे भी गलत इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।